अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? यार उम्मीद के पास बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यार आपको सबसे पहले मैंने एक बात बतानी है। ये चेक करें, ये जैसे आपको पता है हमारी ये दो डक्स थी यार, एक डक्स जो है ना एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो अचानक उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। और जो है ना फिर मैंने उसको ना जाकर दफना दिया था, ठीक है। अब हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक डक घूम रही है, और एक ये है और एक गैना फूल का बच्चा है। आपको पता है यार दो डक्स लाए थे और चार गैना फूल के बच्चे लाए थे। उस चार गैना फूल के बच्चों में से यार सिर्फ एक गैना फूल का बच्चा बचा हुआ अभी तक, और जो हमारी दो डक्स थी उनमें से भी एक डक बची हुई है, ठीक है। और यहाँ देखें आप हमारी जो मुर्गियाँ हैं, अभी हमारे पास एक मुर्गी बची हुई है और एक जो है ना वो असील मुर्गा बचा हुआ है, देसी मुर्गी और असील मुर्गा। तो यार अभी हम सोच रहे हैं कि यार हमारे पास बर्ड्स काफ़ी सारे यार मर गए हैं, यार ख़त्म हो गए हैं। तो अभी से हमने जो है ना थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए यार, हम फिर मुर्गियाँ लेके आएंगे अपने सेटअप पर, क्योंकि अभी यार ये इस मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकते ना, मुझे पता चल चुका है। क्योंकि हमारे साथ इस तरह से हुआ कि यार बहुत ज़्यादा मुर्गे जो है ना वो इस मौसम में फालिज की वजह से वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये गर्मियों में नहीं पल सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ी सी गर्मियाँ कम हो जाएँ, फिर हम जाकर पेट मार्केट से शॉपिंग करके आएंगे किस चीज़ की, मुर्गी और मुर्गों की। हाँ जी, तो आओ और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो मियाँ मिट्टू है यार, अब उसने तो बोलना भी स्टार्ट कर दिया, अब उसको यार बहुत पहले से बड़ा हो गया है। कशान इसको बुलवाएं। हाँ जी। हैं ये देखना अभी मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू। अभी नहीं जवाब नहीं दे रहा है, यकीन करें जब ये अंदर होता है ना, तो जब हम इसके दूर होते हैं यानी कि जब हम इसके साथ बोलते हैं मियाँ मिट्टू कहते हैं, तो ये आगे से जवाब देता है। सर अभी जवाब देता है, ओ ओ इस तरह से करेगा, अभी जवाब देना स्टार्ट हो गया, ये माशाल्लाह से बोलना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं, और अच्छा यार अभी ये ना काटना भी स्टार्ट कर दिया कशान, जो पता है बहुत ज़्यादा काटता है यार अभी ये। हाँ, इसके पहले आगे हम इस तरह से हाथ करते थे ना तो आराम से हाथ के ऊपर आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता। ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे ठूंगे मारता बहुत जोर जोर से। दिखाते हैं, ये देख, ये देख, अभी अभी देखियो, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, अल्लाह की कसम ये बड़ा रामी होंगे पहले से, बहुत ज्यादा काटता है। डाइट है, डाइट, डाइट वाला शापर फट जाएगा, थोड़ा पीछे हो जा, डाइट वाला शापर से ज्यादा है, इसकी डाइट भी खत्म हुई बड़ी यार। ये देखो ये ऐसा करते हैं, एक मिनट कैसा रुक जा, ना करूँगो, ना तंग कर यार, ना तंग करूँगो। ये वाले जो डाइट है ना इनकी बची हुई है, ये इनको डाल देते हैं मुर्गे मुर्गे को ताकि ये खा लें, ठीक है। कशान डाइट दिखा यार, जल्दी कर, ये वाली खोल ना इसको, ऊपर से पहले गिठा खोल। हाँ जी, हाँ ये, अब ये वाली निकाल दे, ये पैरेट वाली, ग्रीन पैरेट वाली। हाँ ये वाली बदक भी आ गई है। खैर वो देखो, वो देखो, वो देखो उसका काम देखो, वो देखो शॉपर में से खाने के लिए आ गया, ये देखो, ये देखो। बड़ा बेताब हो रहा है यार खाने के लिए कशान, ये तो जी कीड़ी है यार यहाँ पे तो यार, ये देखो हट जा, यहाँ पे कीड़ी है यार, अंदर भी कीड़ी है। अब क्या करें, इसको ना फूंक मार के ना इसको साफ कर देते हैं कशान, हैं फूंक मार जोर जोर से, जोर से मार, नहीं जा रही। फिर क्या करें बता, इनके कीड़ियाँ इस डाइट के अंदर ना मिक्स हो जाए यार, हट जाए, हटा हटा इन्हें, हटा इन्हें यार, तोता बेताब हो रहा है, दे देते हैं यार कशान, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खा भाई खा। ओए बड़ी भूख लगी हुई और इस बेचारे को, देखो सही मैं मैंने आके डाइट रखी है और खाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन पहले मैं इसको उठाना चाहूंगा। आ जा भाई मिठू, लेकिन काट रहे, काट रहे ना यार, हाथ में नहीं आ रहा ये भाई, काट रहे, काट रहे मुझे। आ गया, आ गया शेरा, आ गया मिठू, आ गया हमारा, ये देखो यार कितना प्यारा है यार मिठू हमारा, ये देखो ये ना ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया अभी ना। एक बात बताता हूँ मैं आपको ना, अब ना ये उड़ने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। अंदर केज में बैठा होता है ना तो बार बार इतनी ज़ोर ज़ोर से पर मारता है कि यार उड़ने की वजह मुझे तो लगता है उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसकी टेल देखें माशा से कितनी बड़ी हो गई टेल, ये देखें, जब हम इसको लाए थे मुझे अच्छी तरह से याद है तो ये बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है, और जना बिल्कुल मासूम सा था, और माशाल्लाह से बड़ा कितना हो गया भैया, देखें आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये, और जो है ना अब तो ये काटना भी स्टार्ट कर दे इसने। बस अब ना मुझे इसके ना एक चीज़ की फिक्र है, क्योंकि अब इसके ना यहाँ पे रिंग आना इसके नेक पे ना, ये देखो, ये देखो ऐसे आगे उंगली करता हूँ भी वो ये काटना स्टार्ट कर देता, ये देखो, ये देखो। पहला अब इसकी रिंग के रिंग आ गई इसकी नेक के ऊपर ना, गर्दन के ऊपर नेक का, वो आ गया, ओह फिर काम देखो, ओह घुस के खा गया, पैर अंदर छोड़ देता हूँ। आ जा भाई तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा,
ये चल उधर बेचारे की तो डाइट खा गए यार ये पहचान। हाँ मामू ये पता नहीं इनको क्या है, इनको बार बार अपनी अपनी डाइट छोड़ किसी और की डाइट खाने लग जाते हैं। पता नहीं क्या रोल है पर ये इनको अपनी डाइट नहीं अच्छी लगती क्या पता नहीं है। नहीं नहीं थोड़ा सा है चेंज लेकिन वो वहाँ पे तो खत्म कर देना इन्होंने तो अभी फिर इस तरह से करते हैं यार हमारी डक्स भी कड़ी हुई हैं तो देखते हैं यार। ओए कशान कशान एक काम करो उधर जाओ। हाँ अच्छा छोटी डक्स भी खा रही है गाय ना खोल के बच्चे को बिठाओ। ये बड़ा तेज है यार ये पर पकड़ 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 ना जल्दी कर यार बस तेरे से पकड़ा गया मैंने देख लिया बेटा ये ले अब पकड़ ले अब पकड़ लियो अब पकड़ ले यार तेरे से ये भी नहीं पकड़ा जा रहा। अब ऊपर आ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे इसे खुद खाएगा ना यार कशान खुद खाएगा ये देख खाने स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से ये काम अच्छा होगा ये भी खा रहा है। ऊपर आके शॉपर से खाने लग गया अपनी वहां से खा भाई अच्छा चलो रख रहे यहाँ से खा तो नहीं सकता ये खैर अच्छा एक काम करो कहाँ से सुराख कर दी इसने ये क्या कर दिया यहाँ से उठा लो भाई उठा लो। अब एक काम करो ये वाली जो डाइट खड़ी हुई है ना ये वाली निकालो डाइट ये वाली हाँ ये तो पकड़ो। तो यार ये वाली जो डाइट है ना ये हम अपनी डक्स को भी डाल देते हैं थोड़ी सी और अपनी मुर्गी को भी डाल देते हैं क्योंकि आपको पता है ये वाली जो डाइट है ना ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की डाइट है और ना ये वाली डाइट जो होती है ना ये ना हमारी डक्स भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं हमारी मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं तो आओ साथ चलो सबसे पहले इनको सबको ना ये डाइट खिला देते हैं ये खुश हो जाएंगे। चलो जी डाइट डाल देंगे देखो 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 कितना शौक से खा रही है देखो यार ये डक बड़ी मारती है यार ये मुर्गियों को ये खाने नहीं देती जब तक ये अपने पास तो इसलिए मैंने थोड़े से इधर डाले थोड़े से उधर डाले ताकि डक्स भी खा ले और मुर्गियाँ मुर्गियाँ भी खा लें। ये देखो यहाँ हमारे तो ये वाली छोटे वाली खा गई हैं हमारा पैरेट अंदर वाली डाइट खा रहा है तो आओ अब मैं आना आपको काफ़ी टाइम हो गया कैसान ये ज़रा टाइट उधर लटका दो ज़रा हाँ इसके शापर में डाल दो अंदर ही चलो शाबाश आ जाओ। और यार मैं ना अपना आपको ना अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स दिखाता हूँ एक टाइम हो गया यार मैंने आपको भी नहीं दिखाए ऑस्ट्रेलियन पैरट्स देखते हैं कैसे हैं उनके माशाल्लाह से जो दो बच्चे थे माशाल्लाह से वो अब फ़र्क नहीं लगता कि यार वो इनके जो है ना दो बच्चों के वो इनके दो बच्चे हैं बड़े देखो बिल्कुल एक साइज भी जैसे है बड़ा और ये देखो माशाल्लाह से कोई भी नहीं लगता कौन बाप है कौन बेटा ऐसे लगता है सारे जो है ना अब भाई भाई हैं सारे बहन भाई हैं देखो सारों की हाइट सारों की टेल एक जैसी है बिल्कुल माशाल्लाह ये जो है ना ये हैप्पी है बड़े और इनकी बड़ी हिम्मत है आपको आप बताऊं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा गर्मी में यहाँ इन्होंने सरवाइव किया है क्योंकि आपको पता है जब सुबह आती है ना ये तो अब तो धूप ऊपर चली गई है लेकिन सुबह का टाइम यहाँ पे सारी धूप होती है आधे केज के ऊपर और आपको पता है धूप इनके ऊपर हम आने तो नहीं देते लेकिन सेक कितना होता है आप सोच सकते हैं कि आधे केज के ऊपर धूप हो चाहे हमने उसको कवर किया होता लेकिन सेक किस कदर होगा ठीक है माशाल्लाह से इन जो पैरट्स है ना इन्होंने सर्वाइव किया है ठीक है। आप मुझे पता चल गया है कि पैरट्स भी सर्वाइव कर लेते हैं और कबूतर भी सर्वाइव कर लेते हैं इस वाली गर्मी में ठीक है। बाकाया बात रह गई मुर्गियों की डक्स की ठीक है डक्स भी कर लेते हैं सर्वाइव लेकिन मुर्गियाँ मुर्गे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते यार इसीलिए जो है ना अभी हमने सोचा यार अभी हम नहीं लेंगे जब तक मौसम थोड़ा सा ठीक ना हो जाए मुर्गियाँ मुर्गे तो अभी हमने बिल्कुल भी नहीं लेने क्योंकि वैसे हम बर्ड मार्केट गए थे कशान तो जो मैंने दिखाया था ना वहाँ पर बफ मुर्गियाँ भी थी स्टाइलिश मुर्गियाँ भी थी और बहुत सारी किस्म की मुर्गियाँ थी जिस जिसके सर के ऊपर भी सारे बाल ही बाल थे है ना वो देख वो फिर मार रहे डक्स डक्स बड़ी बदमाश हुई खड़ी है यार तो बस यार यही थी आज की हमारी वीडियो मैंने कहा यार आपको अपडेट कर दूं सारे जो है ना मामलात के ऊपर और आज मैंने ये वीडियो काफी टाइम बाद बनाई है मैंने कहा यार क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी गर्मी इतनी ज़्यादा थी यार तो फाइनली आज फिर मैंने कैमरा उठा ही लिया मैंने कहा यार आज आप वीडियो शूट करनी है ठीक है क्योंकि आपको भी अपडेट करते रहते हैं साथ साथ क्योंकि इस मरतबा अपडेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग गया हमें लेकिन अपडेट कर दिया मैंने आपको कि क्या क्या हमारे पेट हाउस में है और क्या क्या चल रहा है और किस किस तरह से जो है ना हमारे पेट्स हैं और क्या कर रहे हैं ठीक है। तो यार यही थी आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।